सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जुलाई को चित्रकूट से करेंगे पौधारोपण अभियान की शुरुआत। कहा सुनिश्चित करें सुरक्षा एवं सिंचाई व्यवस्था। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के अपने दूसरे कार्यकाल में पर्यावरण संरक्षण पर काफी जोर दे रही है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरा होने के अवसर पर पर्यावरण बचाने के लिए वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 35 करोड़ पौधारोपण अभियान के तहत 5 जुलाई को 25 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अभियान की शुरुआत चित्रकूट में पौधारोपण से करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ में पौधा लगाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रयागराज व ब्रजेश पाठक अयोध्या में पौधारोपण करेंगे। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पौधारोपण अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि 5 जुलाई को हर व्यक्ति पौधा लगाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश है कि रोपित पौधों की सुरक्षा एवं सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, समस्त पौधारोपण स्थल की जियो टैगिंग की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी नोडल अधिकारियों की देखरेख में कार्यक्रम की तैयारियां की जाए, शक्ति वन निर्माण में महिलाओं का अधिक से अधिक सहयोग लिया जाए। प्राचीन काल से ही आदि शक्ति की उपासना में नीम के पेड़ का बड़ा महत्व है। नीम के पेड़ के इर्द गिर्द लाल और पीले फूल के पेड़ लगाए जाएं। रामायण कालीन से जुड़े स्थलों में राम वन, महाभारत कालीन स्थलों पर राधा वन, कृष्ण वन विकसित किए जाएं। इसी प्रकार काशी में महादेव विश्वनाथ वन, महोबा में शारदा के परम उपासक आला उदल की स्मृति में उनके नाम से वन विकसित किए जाएं। नगर वन, बाल और युवा वन निर्माण में बड़े पैमाने पर बच्चों और युवाओं का सहयोग लिया जाए, जिससे उनमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति रुझान बढ़े। बड़ी संख्या में अमृत सरोवर, नदियों, नहरों, सड़कों, रेलवे लाइन के किनारे पेड़ लगाने हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में मियावाकी पद्धति से वन विकसित किए जाने हैं। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाए।